देश में कोरोना संक्रमण के बाद अब आर्थिक संक्रमण गहराने लगा है। इस संक्रमण की भेंट अब देश का आम वर्ग चढ़ने लगा है। महंगाई की मार से अब कोरोना काल में जनता त्रस्त होने लगी है। एक तरफ तो कोरोना का बहुरूपी चेहरा, वहीं दूसरी ओर संकट काल में बाजारों में महंगाई ने जनता की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। कोरोना संकट काल में फल और सब्जियों के भाव में भारी इजाफा हो रहा है। इसके बाद दालों से लोगों को कुछ राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब दालों के भाव में भी भारी बढ़ोतरी होने से रसोई का बजट बिगड़ता दिख रहा है। वहीं पेट्रोल की कीमतों ने भी अब आसमान छूना शुरू कर दिया है, जिसके कारण महिलाओं का घरेलू बजट पूरी तरह से बिखर चुका है। महिलाओं का कहना है कि इस समय घर चलाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। जितनी जमा पूंजी घर में रखी थी वो भी अब निकल चुकी है। सरकार को अब इस ओर ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल के दाम इतने हो गए हैं, हमारा ऑफिस आना जाना में मतलब पूरा ही पेट्रोल खत्म हो जाता। और इसमें सबसे ज़्यादा तो तेल के, सरसों के तेल के दाम कितने बढ़ गए एकदम से, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। आज तो परेशानी तो हुई है, क्योंकि हमारा तो चलो गवर्नमेंट है तो हम तो कंटिन्यू है, पर हमारे और फैमिली में और कोई प्राइवेट है तो उनकी भी जॉब चली गई काफ़ी रात। नहीं नहीं महंगा तो हो ही रहा है और परेशानी तो आ ही रही है ना। कोई चीज़ यहाँ से यहाँ आएगा तो सब अनबैलेंस तो होएगा ना, और इस कोरोना काल में जहाँ जॉब ही नहीं है तो आप इसको बैलेंस करना कहाँ से सेफ होगा, आप बताइए खुद भी। सोचने वाली बात है ना ये तो। हाँ बिल्कुल बिगड़ चुका है बजट। भाई सरकार जो लगातार जो बढ़ोतरी करी उसको थोड़ा घटाए, सबको ध्यान में रखकर बढ़ गए हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। हम तो गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि थोड़ा बहुत कम करें इसको, क्योंकि गरीबों का चलो बीच का आदमी तो मैनेज कर लेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका क्या है, वो किस तरीके से मैनेज करेंगे उस चीज़ को। बनाते हैं सुबह के टाइम ही बनती है सब्जी, शाम को तो बन ही नहीं पाती है, शाम को दोनों टाइम हो जाती है वो चीज़। हालांकि कोरोना संकट काल ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। इसका सीधा असर मध्यम वर्ग पर पड़ा है, जहां मध्यम वर्ग की गृहिणियां सरकार को कोसती नजर आ रही है। इंदौर से जितेंद्र माथुर की रिपोर्ट।